अगर आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को वेरीफाइड करना चाहते हैं या आप उसका तरीका ढूंढ रहे हैं तो आप सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूं कि आप कैसे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में ब्लू टिक लगा सकते हैं और अपने अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आप वीडियो को स्किप मत करिए, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो आप एक दो इंपॉर्टेंट स्टेप को मिस कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं ऑफिशियल तरीका कि जिसके जरिए आप अपने अकाउंट में ब्लू टिक को हासिल कर सकते हैं। और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन को मिस ना करें। और मैं मैक आपका स्वागत करता हूँ टेक वाइंस में। दोस्तों, अगर आप इंस्टाग्राम के रेगुलर यूज़र हैं तो आपने बहुत सारे वेरीफाइड अकाउंट को देखा ही होगा, और उनको देखने के बाद आपके मन में ये जरूर सवाल आया होगा कि आप कैसे अपने अकाउंट को वेरीफाई करा सकते हैं और ब्लू टिक को लगा सकते हैं। दोस्तों, आपको इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे ट्रिक मिल जाएंगे या आपको ऐसे बहुत सारे वीडियो देखने को मिलेंगे जो आपको बताते हैं कि आप इसको अगर ऐसे यूज़ करेंगे ये सब ट्रिक को तो आपको ब्लू टिक मिल जाएगा आपके अकाउंट पे, लेकिन वो सब फेक होते हैं और आपका टाइम वेस्ट होता है। तो आप उस चक्कर में ना पड़े, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके अकाउंट को इंस्टाग्राम स्पैम समझ के ब्लॉक भी कर सकता है। तो मैं आपको इस वीडियो में ऑफिशियल तरीका बताऊंगा जिसके जरिए आप अपने अकाउंट को ब्लू टिक लगा सकते हैं। तो आप वीडियो को पूरा आखिर तक ही देखिए और स्किप बिल्कुल ना करें। दोस्तों, सबसे पहले आप अपने इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को अपडेट कर दीजिए। अगर आपने अपडेट ऑलरेडी करके रखा है तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप अपडेट करेंगे तो आप में लेटेस्ट फीचर आ चुका होगा जो ऑफिशियल तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो आप में ये फीचर शायद ना हो, तो इसलिए अपडेट करना ज़रूरी है। तो आप अपडेट करिए, अगर आपने अपडेट किया है तो आप स्किप कर दीजिए इस स्टेप को। अपने इंस्टाग्राम ओपन करिए, उसके बाद फिर आप वहाँ पे टॉप कॉर्नर पे क्लिक करके आप सेटिंग्स में जाइए। आप वहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन है। फिर उसके बाद हम वहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे और अकाउंट्स में जाएंगे। फिर अकाउंट्स में जाने के बाद आप वहाँ पे रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन पे क्लिक करिए और आपको एक यहाँ पे स्क्रीन दिखेगी। आप वहाँ पे इंफॉर्मेशन पहले पढ़ लीजिए। यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी नेम फिल कर लिया है, और उसके बाद फिर यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। फिर वहाँ पे हम कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी है, आपका अकाउंट किस कैटेगरी का है आप उसको अपने कैटेगरी के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेरा यूट्यूब चैनल है तो मेरा यूट्यूब का अकाउंट है, तो यहाँ पे कैटेगरी में मेंशन नहीं है कि यूट्यूब अकाउंट के हिसाब से, तो मैं वहाँ पे अदर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद आपको आईडी अपनी अपलोड करना है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज होता है। इसको आप अपने एज ए अटैचमेंट ऐड करेंगे और उसके बाद ये अटैचमेंट ऐड हो जाएगा। फिर आप इसको सबमिट कर देंगे और ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और सबमिट होने के बाद आपका एप्लीकेशन इंस्टाग्राम के पास पहुंच जाएगा। और आप यहां पे देख सकते हैं आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया है, इंस्टाग्राम की तरफ से आपको नोटिफिकेशन आ चुका है। फिर आपको मेल आ जाएगा जब आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा। गाइस, यहाँ पे एक बात ध्यान देने की ज़रूरत है कि इंस्टाग्राम आपको गारंटी नहीं देता है कि आपके अकाउंट को ब्लू टिक मिल ही जाएगा, लेकिन उसको रिक्वेस्ट सेंड करने से फ़ायदा ये होता है कि इंस्टाग्राम डिसाइड करेगा कि आपका अकाउंट वेरीफाइड होने लायक है या नहीं है। अगर वेरीफाइड होने लायक होगा तो इंस्टाग्राम आपको ऑटोमेटिकली ब्लू टिक दे देगा, लेकिन अगर मान लीजिए आपका रिक्वेस्ट कैंसिल हो जाता है तो आप उसको घबराइए मत। आपको एक महीने में नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका अकाउंट एलिजिबल नहीं है, लेकिन इसमें फ़ायदा ये है कि आप इसके बाद दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कोई फॉलोअर्स की लिमिट नहीं है। अगर आपके एक फॉलोअर हैं या 1,00,000 फॉलोअर्स हैं तब भी आप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आप ऐसे ऑफिशियल तरीके के ही जरिए अप्लाई करिए, कोई भी फेक तरीके के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि उससे आपके पैसे बर्बाद होंगे प्लस टाइम वेस्ट होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके ये डाउट क्लियर हुए होंगे और आपको सारी जानकारी मिल गई होगी कैसे आप अपने अकाउंट को ब्लू टिक लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके तब भी कोई डाउट है या आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपके लिए ये यूज़फुल होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे न्यू वीडियो नोटिफिकेशन को मिस ना करें। और आप मेरे को इंस्टाग्राम में भी फॉलो करें, वहाँ पर हम वन टू वन इंटरेक्शन कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी सुझाव है या आपके कोई डाउट है या आप मेरे से नॉर्मली बात करना चाहते हैं तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो करिए, वहाँ पर DM करिए, मैं मोस्ट ऑफ टाइम वहाँ पर अवेलेबल होता हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं ऐसे आपके लिए और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आते रहूँगा, और मेरे को आपके लिए काम करना बहुत अच्छा लगता है, ताकि मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग और यूज़फुल और नॉलेजेबल वीडियो लेके आते रहूँ, जिससे आपका फ़ायदा हो और आपको अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलते रहे। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।